बीजेपी पार्टी को जन आशीर्वाद यात्रा निकालना पड़ा भारी। मुंबई में 19 FIR हुई दर्ज। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। 20 अगस्त को मुंबई पुलिस ने 19 FIR दर्ज की है बीजेपी पार्टी के ऑर्गेनाइजर के खिलाफ। जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी। आपको बता दें ये यात्रा मुंबई मुमरा में आई थी और मुमरा में जय श्री राम के साथ कपिल पाटिल का स्वागत किया गया था, उन्हें मंत्री पद मिला था इसको लेकर के, और ऐसे में लोगों तक पहुंच कर आशीर्वाद ले रहे थे। लेकिन ये आशीर्वाद उन्हें इतना भारी पड़ गया, तमाम यात्रा ये जो देखा जाए ये एक हिसाब से देखा जाए फ्लॉप भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इस यात्रा में 5 चोरों को भी गिरफ्तार किया गया है पुलिस द्वारा। इसमें हम आपको बता दें इस जन आशीर्वाद यात्रा में भीड़ हो गई थी और इस भीड़ में 4 चोरों को भी गिरफ्तार किया गया था, जिन चारों चोरों के पास से 10 मोबाइल फोन भी बरामद हुई है। अब इस यात्रा को लेकर के देख सकते हैं कि किस कदर ये फ्लॉप यात्रा रही है। इसमें यात्रा में आपको बता दें अलग अलग मुंबई के पुलिस स्टेशन है जहाँ पर FIR दर्ज हुई है। हम सबसे पहले आपको नाम बता देंगे, मुंबई में जैसे विले पार्ले हो, खारवाड़ी हो, माहिम, शिवाजी पार्क, दादर, चेंबूर, गोविंडी, ऐसे तमाम मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में 19 FIR दर्ज हुई है बीजेपी पार्टी के ऑर्गेनाइजर के खिलाफ। देखिए कुल मिलाकर पूरा ये जो जन आशीर्वाद यात्रा था ये फ्लॉप निकला है और कैसे मुंबई पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया इसकी कुछ कुछ राजकीय पॉलिटिकल जो प्रोग्राम्स हैं उसमें जो पब्लिक आती है उनके जेब काट कर उसमें से पैसा और मोबाइल चोरी करने की घटनाएं घटी है। उसके तहत कॉपरी पॉलिटिशियन में कुछ ऑफेंस भी रजिस्टर हुए हैं, तो हमारा यूनिट पास क्राइम बेंच ये हमारे सीनियर ऑफिसर के गाइडेंस में हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसमें से हमको हमारे यूनिट के APS शिंदे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसा एक गिरोह छेड़ाइगर के एरिया में आया है, तो उसकी हम लोगों ने हमारे इधर के ऑफिसर और स्टाफ ने जाके वहाँ पे छानबीन की, तो हम लोगों को 4 लोग मिले हैं जिनके नाम है अबू बकर उर्फ अबू कबूतर अंसारी, नदीम अख्तर अंसारी, अतिक अहमद अंसारी और अशफाक अंसारी। ये सब मालिका के रहने वाले हैं और उन्होंने ये काम के लिए मारुति सुजुकी सिलेरो का उपयोग किया है। उनकी जब तलाशी ली गई तो उसमें हम लोगों को 10 मोबाइल फ़ोन और 1,19,000 कैश में मिले हैं और जेब कतरी के लिए जो यूज़ करते हैं ब्लेड्स वगैरह ऐसे भी कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ मास्क मिले हैं। तो उसके बाद ज़्यादा जानकारी उनके पास से निकालने पर ऐसा पता चला कि
ये जो एक इवेंट्स यहाँ पे पॉलिटिकल इवेंट्स हुआ था वो इवेंट में उन्होंने ये सब काम किया है और ये चोरी वहाँ पे की है। तो और जानकारी लेने पे ऐसा पता चला है कि वो मालेगांव से कार से आए हैं यहाँ पे यही काम के लिए और उनके उनके ऊपर मालेगांव संगमनेर सटाना भद्रकाली एमएफसी पॉलिटिशियन वाशी ऐसे जगह पे ऑलरेडी वो उनके ऊपर इसी तरह के ऑफेंस रजिस्टर हैं, वो अभी बेल आउट है उसमें से। और ये सराय गुनेगारों का ऐसा गैंग है, ग्रुप है जो ये काम करते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अब जल्द से फिर हाजिर हूँगा एक नई न्यूज़ के साथ।